या फिर SMS करें 8652074433 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@lemonnews.com पर। क्या आपके इलाके नमस्कार, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे वो हैं एक कामयाब बिजनेसमैन, एक नामचीन राजनेता, लेकिन जो उनकी एक अलग छवि है आज हम उससे रूबरू कराएंगे आपको। वो छवि है एक शिक्षाविद की, एक एजुकेशनिस्ट की। जी हाँ, हमारे साथ हैं जनाब अख्तर हसन रिजवी साहब। अख्तर हसन रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजवी साहब, जैसे मैंने कहा कि कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, राजनेता भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन एक आपकी एक समाज में जो छवि उभर कर आती है वो एक एजुकेशनिस्ट की है, एक शिक्षाविद की। यहाँ से लेकर इलाहाबाद, इलाहाबाद से जौनपुर, एक एजुकेशन को लेकर आपने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है। कैसा लगता है जब एजुकेशनिस्ट के रूप में आपको पुकारा जाता है? कोई भी अपने फील्ड के अंदर जब कामयाबी हासिल करता है तो उसका मेयार अलग होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन का, उसकी खुशी का, कि वो किस फील्ड के अंदर कामयाब है। एज ए बिजनेसमैन अगर कामयाब है तो उसके पास दौलत है, उसके पास पैसा है, उसके पास बिजनेस के अंदर जो है शोहरत भी हो सकती है, लेकिन वो उसकी पब्लिक आवाम की नजर में वो उसकी कामयाबी और उसकी दौलत उसकी पर्सनल है जी। उससे पब्लिक को, आवाम को, लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंचता है। उसकी एक्टिविटी से उसको खुद को ही फायदा पहुंचेगा। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो कि समाज की सेवा और खिदमत मानी जाती है, और जितना वो सेटिस्फेक्शन हासिल करता है एजुकेशन में कामयाबी के लिए जी, कि वो प्रमोट कर रहा है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपकी कायम की हुई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से फायदा उठाते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चलाने में और कामयाबी से उसको एस्टेब्लिश करने में जो सेटिस्फेक्शन है वो एज ए बिजनेसमैन पैसा कमाने में नहीं है। इसलिए रिजवी एजुकेशन सोसाइटी एक पब्लिक ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट कायम हुआ था 1982 के अंदर जी जी। 1982 में जब ये ट्रस्ट कायम हुआ तो इसकी शुरुआत पहले हुई ट्रस्ट की स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना, उनको बुक्स और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे उनको ऑनर करना, ये दो तीन साल तो सिलसिला वो चला। इसके बाद में 1985 में रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस बना, रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल बना जी, और उसके बाद से फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है इस ट्रस्ट के अंदर ऐड होते चले गए कि रिजवी आर्ट साइंस कॉर्नर्स के बाद में रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बना, रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना, रिजवी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी आया, फिर रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ, वो भी दो लॉ कॉलेज बने, एक फाइव इयर्स कोर्स के, एक थ्री इयर्स कोर्स के, फिर रिजवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बना जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होता है जी, स्कूल में भी ICSE और SSC दो सेक्शन उसमें बन गए, तो बिजनेस मैनेजमेंट का भी रिजवी का इंस्टीट्यूट है। तो ये जो ऐड होते चले गए ये एक तरह से जो आवाम का एप्रिसिएशन था जी, तो आवाम का जो एप्रिसिएशन होता है एक
आवाम की खिदमत करने में और खास तौर से तालीमी, जो बिल्कुल ही मुखलिस तौर पे करना है जिसमें कोई रिटर्न नहीं है जी, इसमें अपना जाती पैसा लगा के अपना वक्त सर्व करके कौम के बच्चों की खिदमत करना, ये है एजुकेशन। और इसमें जब आपको एप्रिसिएशन होता है तो आपको इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती है, और जो कि आपको लोगों के एप्रिसिएशन एजुकेशन के दौर में। और जब एजुकेशन का मामला ऐसा था कि आज एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है, आपने तब शुरुआत की थी जब समाज सेवा वाले मामला था, एजुकेशन को इस दिशा से ले गए थे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कॉलेजेस जहां पर आज मुंबई शहर में या महाराष्ट्र भर में देखे जाएं या बाहर भी देखे जाएं, अक्सर वो जगह जहां पर इंस्टीट्यूट खड़े किए गए हैं वो सरकारी जमीनों पर, रिजर्व प्लॉट्स पर। आपने भी इस तरह के कुछ, आपका क्या रहा मामला? नहीं, ये ऐसा भी हुआ है हिंदुस्तान भर में कि लोगों का अपना जाती पैसा नहीं लगा, या मार्केट रेट पे जमीन जो है वो उन्होंने खरीद के इंस्टीट्यूट को कायम नहीं किया जी। रिजवी इंस्टीट्यूट्स जितनी जमीनों पर कायम हैं, चाहे वो बॉम्बे में हो, वो इलाहाबाद में हो, लखनऊ में हो, जौनपुर में हो, उत्तर प्रदेश के हर जगह मार्केट रेट के ऊपर जमीन खरीदी गई। सवाल इसीलिए किया गया था। हाँ, और वो जमीन जो खरीदी गई वो मेरी अपनी कमाई हुई जाती दौलत से खरीदी गई जी। यानी इसमें दोनों चीज है कि कोई गवर्नमेंट का ग्रांट इन एड या गवर्नमेंट का पैसा जमीन खरीदने में या जमीन के फ्री अलॉटमेंट में, कोई हमारे पास जमीन फ्री में गवर्नमेंट ने अलॉट भी नहीं की जी। और कोई भी गवर्नमेंट की जमीन नहीं है, और हमको कोई ग्रांट या हेल्प भी नहीं मिल रही है कि जिससे कि हम उसको कायम करें। तो जमीन परचेस करने के लिए पैसा और कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा है वो सारा मेरा अपना पर्सनल कमाया हुआ पैसा है जो मैंने इंस्टीट्यूट्स में लगा दिया है। इस तरह से ट्रस्ट जो है मैंने कायम किया। कमर्शियल वेंचर की हैसियत से मैंने कोई एजुकेशन को नहीं लिया। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन जो है एक तरह से कमर्शियल वेंचर है जी। ट्रस्ट जितने भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट का पैसा कोई भी ट्रस्टी या और कोई बेनिफिशियरी उसको पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अकाउंटेबल है। हर साल ट्रस्ट का जो अकाउंट है वो चैरिटी कमिश्नर के यहाँ सबमिट होता है जी, इनकम टैक्स में सबमिट होता है। किसी तरीके के एक्सपेंसेस अदर देन एजुकेशन, कि आप जो है फर्नीचर ले रहे हैं कॉलेज के लिए, आप कॉलेज का एक्सटेंशन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, या जो भी वो रिलेटेड है वो ही एक्सपेंसेस अलाउड है। बाकी जाती तौर पर ऐसा नहीं है कि आपने 50 लाख ड्रॉ कर लिया किसी ट्रस्टी ने, 10 लाख रुपए ले लिया किसी और पर्सनल उससे इस्तेमाल कर दिया, ये पॉसिबल है नहीं। इसलिए कि ट्रस्ट के ऊपर चैरिटी कमिश्नर का और इनकम टैक्स का पूरा कंट्रोल रहता है, तो ये तो नहीं हो पाता। लेकिन कमर्शियल एजुकेशन सिर्फ जो टीचिंग क्लासेस है, जो ट्यूशन क्लासेस है जी, वो कमर्शियल है। और उसके अंदर जो है जो एस्टेब्लिश करते हैं जो ट्यूशन क्लासेस, उनका एम ही प्रॉफिट करना है। तो लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने कॉलेजेस जो हैं ये कमाई का साधन है, वो कमाई का साधन है, ऐसा नहीं जो है। के बात सही नहीं है। अब कमाई का साधन हो ही नहीं सकता, इसलिए कि आप पैसा तो निकाल नहीं सकते जी। अगर किसी कॉलेज ने ऊपर से पैसा लिया डोनेशन की शक्ल में हाँ। और उस पैसे को उस ट्रस्ट के अकाउंट में जमा नहीं किया, तब उसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो कमर्शियल है। आपने कैश पैसा लिया लेकिन ट्रस्ट में जमा नहीं किया, लेकिन बाय एंड लार्ज ये कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये जनरली कौम की खिदमत है। और अगर आप देखेंगे पिछले 50-60 साल की हिस्ट्री बॉम्बे के अंदर या हिंदुस्तान के और हिस्सों में भी जी, तो आप ये नोट करेंगे कि
फिलेंथ्रोपिस्ट एलिमेंट्स जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लोगों ने ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कायम किए और वो चीज जो है आज तक चली आ रही है। इसके अंदर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसमें से कोई पैसा उसमें ड्रॉ कर ले, लेकिन ट्यूशन क्लासेस तो जो है वो हिंदुस्तान भर में लाखों की तादाद में है, वो एडवर्टाइज करते हैं और एडवर्टीजमेंट के अंदर जो है पैसा लिखते हैं, वो कमाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ट्रस्ट के माध्यम से ये मुमकिन ही नहीं है, ट्रस्ट के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है। एक दौर था पुराना जो एक रिटायर्ड हर्रे पर आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आर्ट्स में निकले हैं तो टीचर बन गए, वकील बन गए, कॉमर्स से निकले सीए बन गए, साइंस से निकले इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, एक रटे रटाए। आज प्रोफेशनल कोर्सेज की पूरी भरमार है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज आपके यहाँ से भी लोग कर रहे हैं। इस एजुकेशन के पुराने दौर को और नए दौर को आप तुलना करें तो कहाँ पाते हैं आप? बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है पिछले 30-40 सालों में एजुकेशन फील्ड में। पहले 20-30 साल पहले ये प्रोफेशनल कोर्सेस प्राइवेट ट्रस्ट को परमिशन नहीं मिलती थी, सिर्फ यूनिवर्सिटीज जो थी वो ये कोर्सेस चलाते थे, लेकिन वो भी सारी स्ट्रीम सारे फील्ड के कोर्सेस नहीं थे। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट है जो आज हर कॉरपोरेट और हर प्राइवेट बिजनेस के लिए ट्रेंड लोगों की जरूरत है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कामयाब बिजनेस करने के लिए, ऑर्गेनाइज बिजनेस करने के लिए आपको ट्रेनिंग हासिल करना जरूरी है। इसलिए बिजनेस के अंदर अलग अलग ब्रांचेस बनती चली गई, मार्केटिंग है, मार्केटिंग कैसा है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो इस तरह से एक अलग अलग स्पेशलाइज जो है फील्ड ऑर्गेनाइज तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ जी। जो जिस तरह से मुल्क ने तरक्की किया, जिस तरह से हिंदुस्तान ने दूसरे मुल्कों के मुकाबले में प्रोग्रेस किया है हर फील्ड के अंदर, तो एजुकेशन के सेक्टर के अंदर अगर ट्रेन एजुकेटेड ऑर्गेनाइज्ड अगर कैंडिडेट और स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे तो वो फील्ड कैसे होगा जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें आपके पास वो स्टॉक कहाँ से आएगा। इसलिए ये फील्ड बने कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस आए ताकि इंडस्ट्रीज को प्रोग्रेस मिले, इंडस्ट्रीज के अंदर लोग मिले काम करने के लिए, ट्रेन ऑर्गेनाइज एजुकेटेड लोग। इसी तरह से होटल इंडस्ट्री, पहले एक गेस्ट हाउस की शक्ल में होटल चला करते थे, कहीं एक कार जो है फाइव स्टार होटल हुआ तो वो एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट समझा जाता था, और लेकिन उसका भी लिमिटेशन था, रिक्वायरमेंट कम था। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ और बाइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ी और मुल्क ने तरक्की किया हर एक फील्ड के अंदर, तो जरूरत उसमें भी ये पड़ी कि होटल्स कायम हो, तो होटल इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती चली गई। होटल इंडस्ट्री जब बढ़ी तो उसके अंदर आपको ऑर्गेनाइज और ट्रेड हर कैटेगरी के लोग, चाहे वो कुक हो, चाहे वो मार्केटिंग के हो या हाउसकीपिंग के हो, हर फील्ड के अंदर हर सेक्शन लोग मिलते गए, उसकी जरूरत पड़ी और उसकी जरूरत थी, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बनने लगे और बढ़ने लगे। तो एक फर्क आया, एक प्रोफेशनल अप्रोच भी लोगों का भी बढ़ा, जो एक रटे रटाए ढर्रे से हटे, जिसकी जो क्वालिटी थी, जिसमें जो इंटरेस्ट था, उसमें लोग ने जाना शुरू किया। एक और तो माइनॉरिटीज, अपने इंस्टीट्यूट अपना माइनॉरिटी भी है, इसमें माइनॉरिटीज में एजुकेशन में क्या बदलाव आपने देखा? क्योंकि ये एक लोगों की धारणा पहले से रही है, वो गलत सही जो भी रही हो, लेकिन माइनॉरिटी के लोग पढ़ाई में पीछे हैं, पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट कम है, ड्रॉप आउट्स बच्चे देखे जाए तो माइनॉरिटी के बहुत मिलते हैं, तो वो किस तरह से आप अपने नजरिए से देखते हैं, माइनॉरिटीज में एजुकेशन का रुझान कैसा है?
पिछले 30-40 साल में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे वो 95% नॉन माइनॉरिटीज ट्रस्ट ने उसको एस्टेब्लिश किया था, तो जाहिर है कि जो नॉन माइनॉरिटीज ट्रस्ट है उन्होंने अपने ही लोगों को एडमिशन प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रेफरेंस दिया जी। तो जिनका कॉलेज है उन्होंने अपने लोगों को दिया, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी जी। हालांकि माइनॉरिटी के अंदर खास तौर से मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस कम्युनिटी के अंदर फाइनेंशियली लोग स्ट्रांग थे, अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया होता तो 20-30-40 साल पहले भी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन सकते थे जो माइनॉरिटीज को कैटर कर सकते थे, लेकिन उस तरफ वो रुझान हुआ नहीं, गया नहीं। कुछ एक दो ट्रस्ट ऐसे जैसे अंजुमन इस्लाम है वो कायम हुए, लेकिन उसमें तालीम सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रही स्कूल लेवल और जूनियर कॉलेज या डिग्री कॉलेज के लेवल तक। डिग्री भी उन्होंने तो बहुत बाद में की, बहुत बाद में की है जी। उनका बेसिक जो रहा एजुकेशन का वो रहा स्कूल और डिप्लोमा। इतने पुराना इंस्टीट्यूट अंजुमन इस्लाम, अंजुमन खैरुल इस्लाम, इन्होंने वो एक पुराने ढर्रे को ही पकड़ के रखा। हाँ, वो रखा था इन्होंने, लेकिन इसके बाद में एक तरह से माइनॉरिटीज में ये तालीम हासिल करने की एक तरह से बेदारी भी पैदा हुई कि इसकी जरूरत है। ऐसा समझा जाता था कि एजुकेशन क्यों चाहिए, आपको क्या नौकरी करनी है, तो लोग एजुकेशन को नौकरी से जोड़ते थे। इसलिए मुस्लिम्स बाय एंड लार्ज ज्यादा करके बिजनेस में, ट्रेड के प्रोफेशन में थे जी। वो ये समझ के तालीम की तरफ नहीं गए कि हमको कहाँ नौकरी करना है या हमको कहाँ नौकरी मिलेगी, हमको नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से भी डिस्क्रिमिनेशन तो था ही, पहले भी था आज भी है, कि माइनॉरिटीज को जो है एजुकेशन नौकरी का प्रेफरेंस नहीं मिलता जी, जो कि दूसरे नॉन माइनॉरिटीज को जो प्रेफरेंस है। लेकिन अब ये रुझान हो गया कि नौकरी करना है या बिजनेस करना है, तालीम तो हासिल करना है, इलिटरेट नहीं रहना है। समाज के अंदर रिस्पेक्ट नहीं रही, खास तौर से औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, कि घर का उनको काम सीखना चाहिए, घर का काम उनको आना चाहिए, आखिर में तो उनको नौकरी तो करना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, शादी करके बाहर चले जाना है, तो खाना पकाने का काम और सिलाई और कढ़ाई का काम, उस सारे फैसले खुद ही ये लोग कर लिया करते थे जो है, मतलब पेरेंट्स भी उनको एनकरेज नहीं करते थे, मानसिक रूप से तैयारी ये रहती थी कि बस यही करना है और यही इसके आगे नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे एक तरह से सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया, समाज ने प्रोग्रेस किया, और वक्त की तालीम जो है वो वक्त की जरूरत बनती चली गई जी, कि अगर माइनॉरिटी का बच्चा अपने ही समाज में रह रहा है, अपने फैमिली में है और पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कमतर समझा जाने लगा अपने खुद के समाज में, अपने खुद के समाज में भी और अपने समाज के बाहर भी, कि ये जाहिल है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो एक तो ये बेसिक तालीम, लिटरेसी एक तरह से आदमी की एक क्वालिटी और शान बनती चली गई, रिक्वायरमेंट, और लिटरेसी ने फिर उसको सोचने की ताकत दी कि आपके राइट्स क्या है, या आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको किस तरीके से करना है, किस फील्ड में करना है, कैसे बिजनेस करना है। तो माइनॉरिटी को जो एक तरह से इल्म तालीम हासिल करने की बेदारी जो शुरू हुई, उससे आज 100% लिटरेसी की तरफ जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी जा रही है, यानी बेदारी भी आई उनमें, जागरूकता आई है, एजुकेशन को लेकर वो लोग और एजुकेशन में आगे आए हैं, अच्छे मार्क्स भी लेके आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स भी और ज्यादा कायम हुए हैं
जिससे उनको एनकरेजमेंट मिला। और एक तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो 1950 में बना, तब से ये राइट माइनॉरिटीज को दिया गया। अब माइनॉरिटीज में सिर्फ मुस्लिम नहीं है जी, माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, सब सिख्स भी हैं, सब माइनॉरिटीज मींस ऑल। आर्टिकल 30 ने ये राइट दिया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी ट्रस्ट कायम हो सकते हैं, एक्सक्लूसिवली वो अपने ट्रस्ट मैनेज कर सकते हैं जी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर माइनॉरिटीज अपने पैसे से जमीन खरीदें और कंस्ट्रक्शन करें तो उनको तो पूरा राइट है कि वो अपने माइनॉरिटीज अपने बच्चों को प्रेफरेंस दें एडमिशन के लिए जी। तो माइनॉरिटीज का जो ये राइट था ये भी आगे इसको ढूंढा गया और इसका एडवांटेज लिया गया कोर्ट्स के जरिए भी, कि सुप्रीम कोर्ट्स में भी इस पे जजमेंट्स हुए कि माइनॉरिटीज के जो आर्टिकल 30 है यानी बेहतर, अब पहले से काफी हालात बेहतर हुए माइनॉरिटीज भी ने भी। दूसरी चीज रिजू साहब, आपने यहां से मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरे महाराष्ट्र में भी आप एजुकेशन को लेकर सरकारों का रवैया कैसा रहा, क्योंकि ये एक जैसा कि आपने देखा है एजुकेशन को बढ़ावा देना, शिक्षा की तरफ ध्यान देना, सरकारें कितनी सीरियस होती हैं इस मामले में, या ये जो लोग चला रहे हैं वो अपने तरीके से चलाएं, सरकार का जितना काम है उतना ही करेगी? सरकार का कोई रोल नहीं है एजुकेशन के अंदर, हालांकि रोल कितना बड़ा होना चाहिए सरकारों का। ऑन द कॉन्ट्री वो पॉलिसी बनाने में एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे बनाएं। इसलिए कि जहां तक के सिलेबस है जी, जहां तक के क्वालिफिकेशन है टीचर्स की, वो सारा तो कंट्रोल जो है वो यूनिवर्सिटीज करती है, वो नॉर्म्स तो अपनी जगह पे तय है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान के कंट्रोल कर रही है, सिलेबस अपनी जगह पे है, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स की क्वालिफिकेशन अपनी जगह पर है। तो ये सब चीजें तो एक है जो एक तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं और वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दोनों तरफ लोग, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे नॉन माइनॉरिटी। ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इतना फंड अलग अलग योजनाओं में लगाया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान जैसे मुहिम चलाई जाती है जो कागजों पर रह जाती है, अगर एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए तो शायद बेहतर होता था। सरकारी अगर और भी गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता अगर तो सिलेक्टिव IITs बनाए हैं सिलेक्टिव फील्ड में जी, बाय एंड लार्ज हर फील्ड के अंदर उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम नहीं किए। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIT है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, वो कायम किए जिसके अंदर वो लोगों ने अलग से फंड दिए हैं। तो कुछ लिमिटेड काम गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन वो आप समझ लीजिए कि टोटल रिक्वायरमेंट का 5 या 8% होगा। 90-95% काम जो है वो टोटल प्राइवेट लोग ही करते हैं उसको, अगर और उसको मैनेज पूरा करते हैं। आप जैसे शिक्षा प्रेमी लोग हो ना हो, और जो लोग भी इस फील्ड में अपने तरीके से काम कर रहे हैं वो ना हो और सरकार के भरोसे रहे, तो फिर ठंडन गोपाल ही मामला। तो लोगों को एजुकेशन मिल ही नहीं सकता है। आज जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट आने के बाद भी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को एडमिशन के लिए बहुत स्ट्रगल करना होता है जी। अब गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मांगी जाती, इसलिए कि वो अब कॉलेज स्टार्ट करने के लिए वो एफिडेविट आपसे ले लेते हैं कि आप हमसे ग्रांट नहीं मांगोगे। पहले शुरू में तब आपको हम परमिशन देंगे स्टार्ट करने के लिए कॉलेज। चलिए आपने परमिशन दे दिया, अब आपको सीट बढ़ाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, उस पर आप क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? प्राइवेट ट्रस्ट जो है सैलरी देगा, अपॉइंटमेंट करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, जगह बढ़ाएगा। तो जो ये मैड रश है एडमिशन का और जो लोग परेशान होते हैं, वो उनकी परेशानी तो दूर हो जाएगी कि डायरेक्ट वॉक इन आप चाहेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, आप पढ़ाई कर सकते हैं जी। ये भी रिस्ट्रिक्शन है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है सबसे ज्यादा।
वो कंट्रोल गवर्नमेंट हर जगह अपना कंट्रोल रखना चाहती है, यानी इसे बढ़ावा देने के बजाय कहीं ना कहीं रोड़ा ही बन रही है, स्पीड ब्रेकर। तो इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए साहब, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, होना क्या चाहिए ऐसे में? अब ये एक ऐसा इशू है कि जो सॉल्व किस तरीके से हो जी, क्या इसको इलेक्शन इशू बनाए, इसलिए कि गवर्नमेंट वही काम करती है जिसमें वो समझती है कि इससे हमको वोट मिलेगा या वोट को इफेक्ट होगा, या वोट को बढ़ावा मिलेगा ऐसा काम करती है, या वोट हमारे गिरेंगे उसमें वो काम करेगी, गिरने ना पाए वो काम करेगी। इसके अलावा जो पब्लिक के ग्रेवेंसेज हैं, पब्लिक के जो प्रॉब्लम हैं, वो उसकी उनको बिल्कुल ही परवाह नहीं, बड़ा कठिन है मामला। पूरे समाज में आवाम की साइलेंट सफरिंग है, हाँ। कि लोग इंडिविजुअल सफर करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट पॉसिबल नहीं है कि वो कैसे लाखों की तादाद में मिलके एजिटेट करें कि ये होना चाहिए। ये मुश्किल है क्योंकि एजुकेशन जो लोग चला रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के कंट्रोल में है, वो नहीं, वेस्टर्न इंटरेस्ट वो उनके कंट्रोल में है, कि जो लोग ये एजिटेट करेंगे वो विक्टिमाइज होंगे, और पेरेंट्स इतना पेरेंट्स एक साथ आ नहीं सकते, क्योंकि वो मूवमेंट सारी पॉलिटिकल होती है जी। तो ये दोनों जगह में आपने क्या ज्यादा एजुकेशन की तरफ झुका, आपने उत्तर प्रदेश वगैरह में भी यहाँ भी, और क्या पाया कि एक ही जैसा ढर्रा होता है या कुछ? थ्राउट इंडिया सेम पैटर्न है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है जो रूल्स फॉर्मुलेट करती है वो और उनके अधिकारी और फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटीज, वो इतना कंट्रोल रखना चाहते हैं पावर का, एक तरह से वो पावर का कंट्रोल है, अथॉरिटी का कंट्रोल है, यानी ये सुनवाई नहीं है कि ये अच्छा रिक्वायरमेंट है, आवाम की ये डिफिकल्टी है, इसको हमको सॉल्व करना है, ये सजेशन आया है इसको कंसिडर करें, वो उस तरफ से नहीं होता है। जो मिनिस्ट्री ने तय कर लिया, जो ब्यूरोक्रेट्स ने तय कर लिया, वही काम होता है। आगामी क्या योजना है आपकी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि काफी प्रोफेशनल कोर्सेज भी हो गए, काफी कोर्सेज की एक झड़ी लगाई है आपने, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की भी की, इस मामले में एक नाम भी कमा लिया। आगामी योजनाएं एजुकेशन को लेकर खासकर आपकी क्या सोच रखी है? अब जो एस्टेब्लिश हुए हैं एजुकेशनल कैंपस, उसमें क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाना, इसलिए कि बंबई जैसी जगह में अब तो लैंड भी अवेलेबल नहीं है कि, और अफोर्डेबल लैंड भी अवेलेबल नहीं है कि आप बाय करके जो है वो उसके अंदर और भी बिल्डिंग्स बनाएं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐड करें। अभी अब का दौर ऐसा हो गया है कि वो चीज पॉसिबल है नहीं, जो बन गए उसी को डेवलप, जो बन गया है उसमें प्रमोट करना, उसको ही आगे बढ़ाना, कि टीचर्स को मॉडर्न ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको अपने नॉलेज को अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि वो टाइम के साथ में, वक्त के साथ में चले, वो सिर्फ उन्होंने जो अपने टाइम पर 20 साल पहले पढ़ा होगा और जो डिग्री हासिल किया है और जो बुक्स में पढ़ा है, वो अपने नॉलेज को वहां तक रिस्ट्रिक्ट करके ना रखें, बल्कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग और इम्प्रूवमेंट टीचर्स में भी होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूसली उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि जब वो नई नई आइडियाज, नई नई चीजें सीखेंगे तो बच्चों को वो सिखा सकेंगे। तो उस तरफ भी जो है ध्यान दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है कि स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज कैंपस में मिले, उसकी तरफ ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा तो कोई ऐड करने का की गुंजाइश वैसे अब है नहीं, इसलिए कि लैंड की कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ऊंची हो गई है, और आप लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए और मुश्किल है जो अपनी जमीनों पर, और बांद्रा जैसे जब पॉश इलाके में आपने अपनी जमीनों पर खड़ा कर रखा है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि जो ट्रस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, हम उनको जमीन लीज पर अलॉट करेंगे। गवर्नमेंट के बहाने, अगर गवर्नमेंट के भरोसे रहे तो सब कुछ पॉसिबल है, मुश्किल है। खैर, आपके आपकी छटपटाहट, आपका एजुकेशन के प्रति जो झुकाव है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन और भी सक्सेस हो आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत ये थे अख्तर हसन रिजवी साहब, जिनके बीच, जिन्हें एजुकेशन की फील्ड में जिनके काम को न सिर्फ सराहा जाता है बल्कि लोग मिसाल देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो चीजें उन्होंने सोच रखी है
अपने इंस्टीट्यूट के साथ साथ समाज में फैली हुई शिक्षा की जो भी धारणाएं हैं उसे बदलते हुए शिक्षा के कुछ और भी नए आयाम वो स्थापित करें। इन्हीं के साथ फेस टू फेस में सलमान को और फेस टू फेस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।